खाई कुछ खाई हो अबे और पता नहीं कितनी मिल जाए जंगल का ये तो गांव के अंदर भी हेरा जाए तो फिर भी गया बिता अच्छा तो है ही और वो पंचायत के अंदर में है बाहर के पूरी भर के हेरे नमस्कार, मैं हूं विकास बर्मन। आप देख रहे हैं आईवी 24 महाकौशल। कटनी जिले की सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस चौकी में पैसे लेन देन का वीडियो है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि बंद कमरे में पैसों का लेन देन हुआ और दो युवक आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। एक नीली रंग की शर्ट में एक युवक खड़ा हुआ है और दूसरा पीली रंग की शर्ट में जो पैसे गिन कर दे रहा है। और यह पूरा जो लेन देन है पुलिस चौकी के एक बंद कमरे में हुआ। और यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इस वीडियो वायरल होने के बाद चौकी प्रभारी अंकित मिश्रा ने इस वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि यह वीडियो उस वक्त का है जब पुलिस परिवार का एक युवक जो कि शॉपिंग कर रहा था उसके दौरान उसके पैसे कम पड़ गए थे और पैसे लेने के लिए वह अपने दोस्तों के पास मिलने आया था और चौकी के आते ही यहाँ पर उसके दोस्तों द्वारा उसे पैसे दिए गए और यह वीडियो उसी वक्त का है। आइए हम सुनाते हैं चौकी प्रभारी ने इस वीडियो वायरल होने के बाद क्या कहा। बस स्टैंड चौकी का एक पैसे को लेन देन के लिए वीडियो वायरल हो रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वीडियो के संबंध में हमने उसकी जांच करवाई। जांच में ये आया कि उसमें जो व्यक्ति पैसे गिन रहा है वो पुलिस परिवार का ही सदस्य है। उसके पिताजी पिजरावर थान में पोस्टिंग तैनात हैं और वह अपने किसी काम से जा रहा था। उसके घर प्रोग्राम है, शादी ब्याह का प्रोग्राम है, कुछ पैसे कम पड़ गए थे, इस वजह से यहाँ पर कुछ पैसे लेने आ गए थे दोस्तों से। क्या चौकी में आना जाना क्या रहता है सब कुछ? क्योंकि पुलिस परिवार से जुड़ा है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी कर रहा है, इसलिए उसका लगाव है पुलिस से, तो यहाँ पे आता जाता रहता है, उसके दोस्त हैं यहाँ। कटनी जिले के सोशल मीडिया में वायरल हो रहा यह वीडियो कोतवाली थाना अंतर्गत बस स्टैंड पुलिस चौकी का है। बस स्टैंड पुलिस चौकी के इस बंद कमरे में जो लेन देन हुआ है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ये बंद कमरे में पूरा लेन देन हुआ और पीले रंग की शर्ट पहने हुए युवक पैसे देकर जैसे ही बाहर निकलता है वहां पे मौजूद एक पुलिसकर्मी को उसने पैसे देने की बात कहते हुए पुलिस चौकी से नदारद हो गया। और इसके बाद जब हमने युवक से जब पूछताछ की गई जिसने युवक ने पैसे लिए थे उसका क्या कहना था, आइए हम सुनाते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है पैसों को लेन देन को लेकर, क्या कहेंगे? सर, मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रहा था तो मुझे कुछ पैसे की कमी पड़ी। मैं पुलिस परिवार से हूँ तो मैं सोचा कि नीरज भैया, अनमोल भैया किसी से भी अपना लेके यहाँ यहीं लेके शॉपिंग करने चला जाऊँगा, तो पैसा कम रहे थे बस, और कुछ नहीं है सर। तो आपका आना जाना कैसे हुआ शॉपिंग? सर, हम लोग पुलिस विभाग से हमारे इनके संबंध बने रहते हैं, मतलब मित्र है हमारे, फ्रेंड है, दोस्त है। आपके क्या परिवार में भी कोई पुलिस में है क्या? जी जी, पिताजी है ना। पिताजी हैं। अभी क्या मतलब अभी इसे इधर आना जाना कब से लगा है चौकी आपको? सर, हमारे फ्रेंड है, कभी भी आते जाते मिल लेते हैं, चले जाते हैं, आते हैं फिर मिल लेते हैं, चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? किरण कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले? पन्ना मोड़। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो के मामले पर जब हम कटनी SP अभिजीत रंजन के पास पहुँचे, उन्होंने इस वीडियो के बारे में बताया कि इस मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया है और इस वीडियो की जाँच की जा रही है। बस स्टैंड चौकी में एक पैसे लेन देन का वीडियो आया जो कि बंद कमरे में लेन देन किया गया है, उसमें साफ सुनाई दिया जा रहा है कि साहब हमने पैसे दे दिए हैं और पी शर्ट का लड़का अभी तक सामने नहीं आया, मतलब सफाई दे रहा है कि ऐसा। देखिए, ऐसी एक मीडिया के माध्यम से ही ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है और जहाँ तक मैंने अभी चौकी प्रभारी से बात की है तो उसने बताया कि कोई ASI है
उसका बालक उस वीडियो में दिख रहा है और वो खरीदारी करने के लिए वहाँ पे किसी से पैसे ले रहा था। ये बात अभी सामने आई है। और जहाँ तक इस विषय की आप इसमें जो दूसरे एंगल की आप बात सोच रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, तो हम इसकी एक जांच जियो से किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवा लेंगे और इसके बाद इसके तथ्यों तक पहुँच के जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित करेंगे। अब देखना यह होगा कि वीडियो के जांच के बाद क्या राज खुलता है इस वीडियो का, या चौकी प्रभारी ने जो कहे हैं वह सत्य है या कुछ और मांजरा था। आप देख रहे थे IBC 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बात करो।